सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुज अग्रवाल, अजमेर तनिष शोरूम से। अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। MD मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पति अमेरिका रहते हैं, 5 साल से वो वहाँ रहते हैं, तो मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ आज। तो अभी वीडियो कॉल पे आपने देखा, मैंने उनसे बात की वीडियो कॉल पे, अर्थ दिया अभी, तो पूजा की। आज जो आपने वीडियो कॉल पे उनको व्हाट्सएप पे जैसे भी आपने उनकी फ़ोटो या वीडियो कॉलिंग करके आज चंद्रमा को अर्घ दिया। हाँ, जोर से बोलना। हाँ, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुत लग रहा है, हमसे वीडियो कॉल पे बात हुई, पर है ना थोड़ा मिस भी कर रही हूँ। कैसे कैसे मिस कर रही हूँ? कैसे? जैसे हर बार वो मेरे साथ होते हैं, हम लोग छत पर जाते हैं, पूजा करते हैं, फिर मैं चलनी में उनको देखती हूँ, फिर आशीर्वाद लेती हूँ, फिर वो मुझे गिफ्ट भी देते हैं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ मतलब बहुत अच्छा टाइम निकालते ऊपर छत पे। वो मुझे पानी पिलाते हैं, मेरा फास्ट खुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज कैसा लग रहा है दीदी आपको कुछ? पर आज मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। आपका नाम? कोमल। ये व्रत हम अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, बाप भाइयों के लिए करा जाता है, उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी जाती है। और इस व्रत में हम पहले सुबह कहानी सुनते हैंगे, फिर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैंगे, फिर आपस में थालियाँ इधर उधर करके सबके पैर छूते हैं, भगवान के पैर छूते हैं, फिर उनसे फिर दुआ करते हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। और शाम को फिर चंद्रमा को देख के फिर अर्घ दिया जाता है, फिर पति के पैर छू के फास्ट खोला जाता है। किस तरह की पूजा की जाती है इसमें? कैसी कहानी पढ़ी जाती है इसमें? चौथ माता की कहानी पढ़ी जाती है। 7 भाइयों की बहन होती है, वो क्या जैसे अर्घ देती है ना, तो सूरज उसको उनके भाई है ना, उनके भाई है ना, उनको बोलते हैं कि भाई खाने का खा लो, तो बोले नहीं। फिर वो उसकी भौजाएँ बोलती हैं, बोले भाई तुम्हारा चांद उगा, हमारा नहीं उगा। तो वो क्या करती है, भाई आग जला के उसको चलनी में चांद दिखा देते हैं, तो वो अर्घ व्रत खोल लेती है, तो उसका पति गुजर जाता है। फिर बाद में वो चौथ माता के पैर वेर छूती है, फिर उसको चौथ माता वापिस वरदान देती है, उसका पति वापिस जिंदा हो जाता है। इसलिए इसकी पूजा की जाती है। रेनू।